हेलो दोस्तों, सीसेट की मार्कशीट्स रिसेंटली आने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में सीसेट का डर और बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको आज अनश्योर करना चाहूंगा कि आपको इससे डरना नहीं है, बट हाँ, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। स्मूथली इसकी प्रिपरेशन कीजिए, स्लीपिंग क्लासेस विद यू, और हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहे हैं कि इस बार सीसेट की वजह से आपको किसी तरह के भी ट्रबल्स ना दिखें आपके प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के अंदर। जैसे कि रिव्यूज में देखा गया, कुछ स्टूडेंट्स के जीएस के मार्क्स 90, 95, 100+, इवन 110 भी थे, बट दे कुड नॉट क्वालिफाई सीसेट। तो मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप हम लोगों से कनेक्टेड हैं तो आप सीसेट की डेली बेसिस पे जितनी भी वीडियोस आती हैं, डेली वीडियो सीरीज है चाहे 2 मिनट सीरीज है, इसको आप हर रोज देखें। स्लीपी क्लासेस विथ यू, आप अपने थोड़े एफर्ट्स डालिए और सीसेट की वजह से इस बार 2024 के प्रीलिम्स में कोई चिंता नहीं होगी, कोई ट्रबल्स क्रिएट नहीं होंगे। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं अगली क्लास हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, और देखते हैं एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो थोड़ा कंफ्यूजिंग था स्टूडेंट्स के लिए। आंसर ऑप्शंस ज्यादा रिलेट नहीं कर रहे थे, थोड़ा एनालिटिकल ज्यादा था, राइट? तो चलो देखते हैं दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप पढ़ें, एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे डिस्कस हुआ जो कि फूड स्कार्सिटी या फूड वराइटीज की स्कार्सिटी पे हुआ। द पैसेज इज फूड वराइटीज एक्सटिंक्शन। तो वैरायटीज की एक्सटेंशन की बात हुई, फूड की एक्सटेंशन तो नहीं हुई, फूड स्कार्सिटी की बात अभी नहीं हुई। जब बिगिनिंग में हम पढ़ते हैं इसको, तो फूड वैरायटीज एक्सटेंशन इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में ही वैरायटीज की एक्सटेंशन हो रही है, एंड इट इज हैपनिंग फास्ट, बहुत तेजी से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पर आप आंकड़ों पर जरा ध्यान दीजिएगा, कितना बड़ा गैप एक क्रिएट हो चुका है। ऑफ दी 7,000 एप्पल वराइटीज दैट वर ग्रोन ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी, जो लोग भी पहाड़ों से, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, अपर एरिया से बिलोंग करते हैं, वो तो काफी रिलेट कर पाएंगे इन बातों को कि रियलिटी में ऐसा होता था जब उनके फादर या ग्रैंड फादर उनको ये चीजें बताया करते थे कितनी वराइटीज होती थी एप्पल्स की। तो अराउंड 7,000 एप्पल वराइटीज थी 19th सेंचुरी के अंदर, फ्यूअर देन 100 रिमेन, 100 से भी कम रह गए हैं दोस्तों। इतनी कम वराइटीज का हो जाना 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी तक पहुंचते पहुंचते। नाउ इन द फिलीपींस थाउजेंड्स ऑफ वराइटीज ऑफ राइस वंस थ्राइव्ड, थाउजेंड्स ऑफ वराइटीज हुआ करती थी राइस की। नाउ ओनली अप टू 100 आर ग्रोन देयर, मैक्सिमम 100 तक ही ग्रोन की जाती है, ग्रो की जाती है। दैट मीन्स थाउजेंड से आंकड़े सीधा कम होके 100 तक भी नहीं पहुंच पा रहे, इतना ज्यादा वराइटी एक्सटिंक्शन हो रहा है। अब चाइना की बात कर लीजिए, इन चाइना 90% ऑफ द व्हीट वराइटीज कल्टिवेटेड जस्ट अ सेंचुरी अगो। तो 90% ऑफ द व्हीट वराइटीज जो थी, जो कल्टीवेट की जाती थी एक सेंचुरी पहले, हैव डिसअपियर्ड, वो डिसअपियर ही हो चुकी हैं। तो यहाँ पे इतनी मल्टीपल एग्जाम्पल से आपको इतना क्लियर हो रहा होगा कि फूड वराइटी एक्सटिंक्शन बहुत ही भारी स्तर पे हो रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल पे हो रही है, राइट? फार्मर्स इन द पास्ट पेनस्टेकिंगली ब्रेड, तो फार्मर्स ने ब्रीड किया, फार्मर्स ने कुछ प्लांट्स जो थे वो बचा के रखे सो दैट उनसे कुछ नए प्लांट्स ड्राइव किए जा सकें, ग्रो किए जा सकें। तो पेनस्टेकिंगली ब्रेड एंड डेवलप्ड क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स को डेवलप किया बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके। पेनस्टेकिंगली का मतलब दोस्तों होता है बहुत पेन्स, बहुत एफर्ट्स के बाद, बहुत हैवी एफर्ट्स के बाद कुछ चीज को करना। क्रॉप्स वेल सूटेड टू दी पेकुलियरिटीज ऑफ देयर लोकल क्लाइमेट। अब पेकुलियरिटीज क्या होती है, जब आप बात करते हैं किसी स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक की किसी भी चीज के अंदर, तो लोकल क्लाइमेट जो था, लोकल क्लाइमेट पे यहाँ फोकस किया गया, ऑफ देयर लोकल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। तो लोकल क्लाइमेट के अंदर जो क्रॉप्स उगा सकते हैं उनको उगाने पे बहुत ज्यादा एफर्ट किए गए, कुछ क्रॉप्स को संभाल के रखा, ठीक है, सो दैट उनसे कुछ नई क्रॉप्स डिराइव की जा सके। इन द रिसेंट पास्ट, हाल ही में, आर हैवी डिपेंडेंस, हमारी जो बहुत भारी डिपेंडेंस है ऑन अ फ्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज, कुछ जो हाई यील्डिंग वेराइटीज है उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस हो गई है, एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्शन जो हो गई है उनके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंस है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, और डिस्ट्रीब्यूशन जो खाने की है, फूड आइटम्स की है, इज कॉजिंग द डिविंडलिंग ऑफ डाइवर्सिटी इन फूड क्रॉप्स। तो उसी का वही मेन कारण बन रहा है, डिविंडलिंग मतलब डिक्रीज होने का ऑफ डाइवर्सिटी इन फूड क्रॉप्स। तो ये 3 मेजर रीजन यहाँ पे डिस्कस किए गए। इफ सम म्यूटेटिंग क्रॉप डिसीज, म्यूटेटिंग का मतलब होता है जो ऑल्टर होती है, जो चेंज होती है। इफ सम म्यूटेटिंग क्रॉप डिसीज और फ्यूचर क्लाइमेट चेंज डेसीमेट्स द फ्यू क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट, डेसीमेट का मतलब तबाह कर देना, मार देना, टू किल समथिंग और समबडी, बेसिकली जब बात होती है एनिमल्स की, सॉरी प्लांट्स की, द फ्यू क्रॉप प्लांट्स वी हैव टू कम टू डिपेंड ऑन। तो हमें डिपेंड किस पे होना पड़ेगा,
टू फीड आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन वी माइट डेस्परेटली नीड सम दोज वराइटीज वी हैव लेट गो एक्सटिंक्ट, हमें शायद उन वराइटीज की जरूरत है जो हमने एक्सटिंक्ट होने दी। दैट मीन्स हमें कुछ वही वराइटीज वापस लानी होंगी अगर हमें सारी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ सच प्रॉब्लम ऑफ फूड वराइटी एक्सटिंक्शन और वी आर इवन अनएबल टू फीड आर ग्रोइंग पॉपुलेशन। अब पीछे दोस्तों थोड़ा सा पीछे आप देखें तो डिस्कस भी हुआ था कि फार्मर्स इन द पास्ट पेनस्टेकिंगली ब्रेड एंड डेवलप्ड क्रॉप्स वेल सूटेड टू द पेक्लियरिटीज ऑफ देयर लोकल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट, लोकल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट के हिसाब से उन्होंने कुछ क्रॉप्स को बचा के रखा ताकि वहां पर कुछ हील्ड हो सके, वहां पर कुछ प्रोडक्शन हो सके। अब आगे कहा गया कि जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्शन है या फिर हाई यील्डिंग वराइटीज है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है उनके ऊपर डिपेंडेंस होने की वजह से थोड़ा डिक्रीज देखा गया डाइवर्सिटी इन फूड क्रॉप्स के अंदर। तो दोस्तों पैसेज आई होप आप समझ पाए हैं। अब इसमें आपको आंसर ऑप्शंस की थोड़ी हेल्प लेके कनेक्ट करना होगा पैसेज को, क्योंकि आंसर ऑप्शंस थोड़ी सी एनालिटिकल हैं, बहुत इजी नहीं है कि आप डायरेक्टली उनको क्वेश्चन में से पैसेज में से फाइंड आउट कर सको। सो ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। नाउ व्हाट आर दोज अजम्पशंस? ह्यूमंस हैव बीन द मेन रीजन फॉर द लार्ज स्केल एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज। दोस्तों यहाँ पे कॉजेस बताए गए कुछ, बट उन कॉजेस में बात हुई हाई वराइटी जो प्रोडक्शन, हाई यील्ड प्रोडक्शन जो है, हाई यील्डिंग वराइटीज जो है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्शन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, ठीक है, ये सब मेन मुद्दे बताए गए जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड या ह्यूमन मेड एक्टिविटीज से रिलेट नहीं करते। कि इसमें हम कहें कि मेन इसका जो कॉज है वह ह्यूमन मेड एक्टिविटीज है या ह्यूमंस की वजह से ऐसा हुआ है, तो दैट वुड बी रॉन्ग सेइंग। सेकेंड ऑप्शन था कंजम्पशन ऑफ फूड मेनली फ्रॉम लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंश्योर्स क्रॉप डाइवर्सिटी। अगर हम कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन ऑफ फूड मेनली कहां से? फ्रॉम लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंश्योर्स क्रॉप डाइवर्सिटी। अब दोस्तों इस बात को अगर रिलेट करें तो इससे फायदा क्या होगा? जो हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको फीड करने की जब बात आ रही है, अगर हम कंज्यूम करते हैं फूड को मेनली लोकल जो कल्टिवेट क्रॉप्स होती हैं उनसे, तो क्या होगा? लोकल उनकी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो लोकली उनकी क्या होगी? डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो यील्डिंग ज्यादा करनी होगी, प्रोडक्शन ज्यादा करनी होगी, उसी वैरायटी पर हम डिपेंडेंट होके बड़े अच्छे से अपनी जिंदगी चला पाएंगे। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज द प्रेजेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड विल फाइनली लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कार्सिटी इन द नियर फ्यूचर। कि जो प्रेजेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है उससे फूड स्कार्सिटी हो सकती है। पहली बात तो पैसेज में इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया गया कि फूड स्कार्सिटी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे थे फूड वैरायटी के एक्सटिंक्शन पे कि वैरायटीज कम होती चली जा रही है। हाफ ऑफ द पैसेज इसी चीज पे फोकस कर रहा था, जिसमें बात फिलीमीज की भी हुई, जिसमें वैरायटी ऑफ एप्पल की बात भी हुई, जिसमें चाइना के अंदर जो वीट प्रोडक्शन है उसकी बात भी हुई। तो वैरायटी एक्सटिंक्ट हो रही है, ना कि हम बात करें कि जो मेनली अगर लोकल एरिया के अंदर कल्टिवेटेड फूड है, ठीक है, जिससे कि अपना पेट भर सकते हैं, उसकी स्कार्सिटी का कोई भी इंडिकेशन पैसेज में तो नहीं था। नाउ द फोर्थ ऑप्शन इज आर फूड सिक्योरिटी मे डिपेंड ऑन आर एबिलिटी। हमारी फूड सिक्योरिटी डिपेंड कर सकती है हमारी एबिलिटी पे टू प्रिजर्व द लोकली कल्टिवेटेड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स। जो लोकली कल्टिवेट की जा रही है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अगर हम लोग उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, उसमें उसको ब्रीड करते हैं हम, जैसे पीछे बात हुई थी पेनस्टॉकिंगली कुछ फार्मर्स ने उनको सेव किया, उनको ब्रेड किया पास्ट के अंदर, जो लोकली उनकी पेक्लेरिटीज को देख के उनके क्लाइमेट के हिसाब से, राइट, तभी जाके हम कुछ सर्वाइव कर पाए। अच्छा, तो दोस्तों अगर सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन को आप देखें तो काफी रिलेटेबल ऑप्शन हैं कि कंजम्पशन ऑफ फूड जो है मेनली अगर लोकली कल्टिवेटेड क्रॉप से हो तो उससे डाइवर्सिटी जो है, क्रॉप की डाइवर्सिटी वो इंश्योर होती है, और दूसरी बात जो फूड सिक्योरिटी है हम डिपेंड कर सकते हैं अगर हमारी जो एबिलिटी है प्रिजर्व करने की जो लोकली कल्टिवेटेड वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स हैं कि वो खत्म ना हो, उन पे हम डिपेंडेंट रहें, उन्हीं को हम कंज्यूम करें, उन्हीं की डिमांड आगे फर्दर इंक्रीज हो, अगर उनकी डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली क्रॉप डाइवर्सिटी का भी इशू रिजॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है दे आर काइंड ऑफ एक्सट्रीम ऑप्शंस, बट सेकंड और फोर्थ जो है इसके डेफिनेटली अच्छे आउटकम्स हो सकते हैं इन दोनों चीजों को करने के, और ये इस पैसेज के लिए भी सूटेबल ऑप्शंस हैं। इसलिए दोस्तों सेकंड और फोर्थ को देखते हुए आपका आंसर ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी। आई होप आप पैसेज को अंडरस्टैंड कर पाए। आप इस पैसेज को लिखने के पीछे जो ऑथर का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेन उसका एजेंडा था, वो समझ पाए, एनालाइज कर पाए किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं
और मेरी तरह आप भी एलिमिनेट कर पाए ऑप्शन वन एंड थ्री को इजीली। स्टिल आपका कोई भी डाउट है, आपको क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब जैसा कि बिगिनिंग में हम लोग बात कर रहे थे कि मार्कशीट्स के आने के बाद स्टूडेंट्स का डर बढ़ गया है सीसेट को लेके, और मैं आपको एंश्योर भी कर रहा था कि स्लीपी क्लासेस के होते आप डर मत बढ़ाइए अपना, बट अपनी प्रेपरेशन को थोड़ा और आप स्पीडअप कीजिए, प्रेपरेशन स्पीडअप कीजिए, इवेल्युएट कीजिए चीजों को, किन चीजों का आपको कितना टाइम देना है, किस में आपको मेनली प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो इंग्लिश आरसी है, चाहे क्वांट है, चाहे रीजनिंग है। और दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारा सीसेट स्प्रिंट कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लाइव आपके साथ इंटरेक्शन करते हैं। 21 डे का कोर्स है ये, जिसमें आप डेली बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जो भी कंसर्न स्टाफ मेंबर हैं, जो भी टीचर हैं, मिस्टर विकास दैया सर जो आपके क्वांट और इंग्लिश के क्लासेस कनेक्ट करते, क्वांट और रीजनिंग के क्लासेस कनेक्ट करते हैं, और मेरे साथ आप इंग्लिश पढ़ते हो आरसी। तो अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी भी चिंता हो रही है सी सेट को लेकर, तो आप हमारा ये सी सेट स्प्रिंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट ओनली 999 है। और एक फायदे की बात यह है कि इसमें साथ में आपको हर क्लास के बाद क्लास बेस्ड असाइनमेंट मिलती है, जिससे कि आप डेडिकेटेडली अपने घर पर बैठ के रिविजन भी कर सकते हो, उसके साथ उसके आंसर्स और सॉल्यूशंस भी हैं। सो मिलते हैं इस कोर्स के अंदर, तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, और जितनी भी वीडियोस आपको मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम लोगों से सी सेट की, उनका आनंद जितना हो सके लीजिए, और जितना सीख सकें उतना सीखिए। वेल ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन प्रीलिम्स 2024। थैंक यू वेरी मच।